हेलो दोस्तों, विजुअल क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे 6 नवंबर 1 शिफ्ट के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो ये पेपर है उसको सॉल्व आउट करेंगे। देखेंगे कौन से क्वेश्चन आए हैं और इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फटाफट आगे बढ़ने से पहले देखते हैं क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है कि फीफा फुटबॉल के सर्वेस्ट गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? वो दिया जाता है गोल्डन दस्ताने, गोल्डन बूट दिया जाता है बेस्ट जो है जो गोल करते हैं उसको, और जो गोलकीपर उनको दिया जाता है दस्ताने, गोल्डन दस्ताने। सूर्य तक जो सूर्य की किरणें है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो कितना समय लेती है? वो लेती है 8 मिनट। कितना मिनट लेती है? 8 मिनट। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो कितने हैं? वो है 8। कितने हैं? 8 स्थल हैं। राइट आंसर इसमें क्या होगा? सी। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसमें जो ऑप्शन है वो है गलत दिए हुए हैं, तो इसमें आपको क्या है? बोनस मिलेगा। इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? 2019। 2019 में जो है स्थापित किया गया था, इसमें आपको बोनस मिलेगा। आगे देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन है। अनीस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर 100 मीटर चलता है, उसके बाद उसने यू टर्न लिया और 100 मीटर फिर चला। उसने फिर यू टर्न लिया और 102 मीटर चला। अब यहाँ से वह बाएं मुड़ा और 93 मीटर चला। अब अनीस किस दिशा में चल रहा है? तो वो किस दिशा में चल रहा है? मैं फास्ट कर रहा हूँ तो आप है ना जो है इसे देखते जाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम। पश्चिम की ओर जो है उसका मुख होगा। इसके अंदर जो है दूरी नहीं पूछी है, इसका सिर्फ पूछा है कि वो किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है या खड़ा है, तो वो चल रहा है पश्चिम की ओर। जो कंप्यूटर के हैं वो बाद में देखेंगे, पहले रीजनिंग और उसके साथ है जो है जीके के क्वेश्चन देखेंगे। झूम कृषि किस नाम से जानी जाती है? झूम जो कृषि है वो किस नाम से जानी जाती है? जो झूम कृषि है वो आपको बताना है किस नाम से जानी जाती है। झूम कृषि है वो है स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानी जाती है। झूम कृषि किस नाम से जानी जाती है? स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य कहाँ का है? भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो यह पंजाब से। किस है? पंजाब से संबंधित है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा मनाया गया है? जो है आमेर जगत शिरोमणि जो है मंदिर किसके द्वारा मनाया गया है? किनके द्वारा मनाया गया है? फटाफट बताएंगे। आपका जो क्या आंसर है वो मुझे बताएं, आपने क्या आंसर दे के आए हैं। अगर आपने जो पेपर दिया है तो इस पेपर में आपने क्या आंसर दिया है, देखते हैं आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ये किनके द्वारा मनाया गया? ये मनाया गया रानी कनकावती द्वारा। किनके द्वारा मनाया गया? रानी कनकावती द्वारा मनाया गया। ये मनाया गया है 1599 से 1608 ईस्वी के बीच। 1599 से 1608 ईस्वी के बीच जो है रानी कनकावती के द्वारा ये मंदिर जो है निर्मित करवाया गया है। ये हिंदू टेम्पल है। नीचे दिए गए निष्कर्षकों को जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो आपको आंसर देना है इन निष्कर्षकों को देखने बाद। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि कुछ बास्केट खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, सभी बास्केट खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं। तो इसका जो है आपको निष्कर्ष बताना है, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है या अनुसरण दो करता है केवल। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसके अंदर जो है राइट आंसर है दोनों ही नहीं, यानी आपका राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा? डी। दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज से संबंधित कितनी जो है स्थितियां बताई गई है? तो दहेज से संबंधित कितनी बताई गई है? वो बताई गई है 3। कितनी? 3। राइट आंसर के अंदर आपका क्या होगा? सी 3। दहेज जो है उसकी 3 स्थितियां बताई गई है, विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद। कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस किनारे के स्थित है? तो वह चंबल नदी के किनारे पर जो है स्थित है।
कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के। रिजनी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक निश्चित कूट भाषा में क्लास को DMBTT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लू को किस नाम से लिखा जाएगा? तो किस नाम से लिखा जाएगा, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? क्लास, क्लास को लिखा गया है DMBTT, और उसी भाषा में ब्लू को लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा इसमें क्या किया गया है कि है जो है क्लास, सी सी का इसमें क्या है, एक प्लस करके डी लिख दिया, एल एल का एक प्लस करके एम लिख दिया, ए का प्लस करके यहाँ बी लिख दिया, एस का जो है प्लस ए टी टी कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, बी, बी का प्लस क्या होगा सी, एल का प्लस क्या होगा, एल का प्लस होगा एम, क्या होगा एम, यू का वी, ई का एफ, यानी आपका राइट आंसर इसकी क्या होगा, बी। नीचे दिए गए शब्दों में तीन शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक जो शब्द है वो भिन्न है, तो आपको बताना है कौन सा भिन्न है। तो इसके अंदर जो है भिन्न होगा डी, बेटा, ये सभी है स्त्रीलिंग है, और जबकि बेटा है ये पुल्लिंग है। एक निश्चित कूट भाषा में क्यूट को BTSD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में काइंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो किस प्रकार से लिखा जाएगा वो आपको बताना है, CUTE, क्यूट को लिखा है BTSD, और उसी भाषा में काइंड को किस प्रकार लिखेंगे? तो सी, सी का इन्होंने क्या किया है, एक माइनस कर दिया है, यू का एक माइनस, टी का एक माइनस, ई का ए माइनस यानी डी, तो इसी प्रकार हम के आई एन डी को लिखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, JHUMC, यानी राइट आंसर आपका इसके अंदर होगा ए। उस संख्या का चयन करो जिसकी निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह है, उस प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर क्या आएगा वो आपको बताना है, इसके अंदर क्या है 34, 41, 48, 55, 62 और 69, यानी इसके अंदर जो है प्रत्येक के अंदर जो है 7-7 ऐड की, यानी आपको करना क्या है 69 प्लस जो है 7 करना है, तो कितना होगा, होगा 76, यानी राइट आंसर क्या होगा बी। निम्नलिखित शब्दों का चयन करके उनमें से सबसे अधिक समान जो शब्द है वो बताना है, बादाम, काजू, अखरोट, यानी आपको इनमें से बताना है जो इसके जो है अधिक समान हो, तो वो है खुबू, खुबानी, क्या है खुबानी, जो है बादाम काजू अखरोट की तरह जो है खुबानी इनसे ज़्यादा मैच करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्द का चयन करके जो सबसे अधिक समान है वो आपको बताना है, हिरण, गाय, जिराफ, और इनमें से आपको ऑप्शन में से बताना है कौन सा जो है सम्मिलित होगा, हिरण, गाय, जिराफ, ये क्या है शाकाहारी, और इनमें से जो शाकाहारी है वो है घोड़ा, यानी राइट आंसर है इसके अंदर क्या होगा आपका डी। आगे है URLI, और ऑप्शन जो है क्वेश्चन मार्क इसकी जगह आपको क्या आएगा वो बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो आएगा ई, क्या होगा ई। एक निश्चित कूट भाषा में बेंजामिन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्यूटी को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी इसमें अंदर क्या किया इसने, इसको जो है इस भाषा को जो है इसने पूरा जो है स्पेलिंग को विपरीत भाषा में लिख दिया, तो प्यूटी को विपरीत लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, POVERTY, यानी राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा डी। नीचे दिए गए शब्दों में से तीन शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन करें, तो कौन सा होगा भिन्न, वो है गोभी, गोभी जो है सब्जी और बाकी तीनों है फल, यानी राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा सी। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द आपस में वही शब्द है जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के बीच है, प्रश्न के अंदर है पेन, पेन से क्या होता है लिखना, और जो है चम्मच, चम्मच से क्या होता है खाना, शिक्षक से विद्यालय नहीं होता, रबड़ से पेंसिल नहीं, बंदूक से हथियार नहीं, यानी पेन से लिखा जाता है तो उसी प्रकार चम्मच से खाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा बी। उस वर्ण या संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त फिट नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है इसके अंदर देखेंगे, K 27, M 39, O 51, Q 63, S 76, तो इसके अंदर क्या है देखेंगे 27 और 39, 27 और 39 के मध्य कितना है जो है ये हो गए 9 और हो गए ये 3, 9 और 3 12, यानी इसके बीच कितना है 12 का डिफरेंस, और इसके बीच 12 का, और इसके बीच 12 का, और इसके बीच जो है 12 का डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या है गलत है, इसकी जगह क्या है सही आंसर क्या होगा 76, जो 76 है वो अनफिट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, यदि प्लस का अर्थ है भाग देना, यदि
प्लस का अर्थ है भाग देना, माइनस का अर्थ है जोड़ना, गुणा का अर्थ है घटाना, और जो है भाग भाग का अर्थ है से गुणा करना। तो निम्नलिखित में से व्यंजन है उसका मान क्या होगा, उसका मान क्या होगा? तो सही आंसर इसका क्या होगा, 8। इसका क्या है मान, जो क्या आएगा 8 आएगा। यानी आपको करना क्या है, इसको जो है सोल्व आउट करना है। जैसे गुणा है, गुणा करते यहाँ पर क्या लिखा है, घटाना, और क्या है जो हो गया बंद, माइनस माइनस करते यहाँ पे क्या है, गुणा करना, 2, और जो ओब्लिक है उससे का मतलब क्या है, गुणा करना। यानी आपका हो गया 3 प्लस, सॉरी प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या है, प्लस का अर्थ क्या है माइनस यहाँ पे, यानी इसको आपको क्या है ना माइनस करना है। और जो 3 माइनस है उसका अर्थ यहाँ पे क्या है, गुणा करना। तो इसका जो सोल्व आउट करेंगे तो सही आंसर क्या होगा, 8। यानी आप देख लेंगे फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे। यदि प्लस का अर्थ भाग देना, माइनस का अर्थ जोड़ना, गुणा का अर्थ करना घटाना, भाग का अर्थ करना गुणा से है, तो निम्नलिखित में से व्यंजन का मान क्या होगा? तो इसमें व्यंजन का मान क्या होगा, इसके व्यंजन का मान होगा 12। कितना होगा, 12। फटाफट आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ये कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। जो लोग नृत्य में अच्छे हुए, पियानो वादक, जो लोग नृत्य में अच्छे हुए, कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक है, इसमें सही आंसर क्या होगा, केवल एक जो है दो अनुसरण करता है, यानी जो है ये एक अनुसरण करता है। ये आपका राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा, बी। दंड संहिता धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिलाओं से जुड़े किस अपराध को उजागर करना है? तो 354 का जो है किससे है, तो वह राइट आंसर है लैंगिक उत्पीड़न और महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंडित करना, जो है इनका सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, बी। आगे रिविजन का फिर से एक क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक को ध्यान करना और उसका चयन करके उनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको जो आंसर देना है। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है 6, 4 और 25। यानी इसके अंदर जो है ये दो तरह से सोल्व आउट हो सकता है, कुछ इस प्रकार से। यानी क्या कर सकते हैं आप इसे, 6 × 4 24 + 1 25, 3 × 1, यानी 3 और 1 3 × 1 हो गया 3, और प्लस 1 हो गया 4, यानी इसमें 4, 5 × 15 + 1 16, यानी इसके अंदर 16। इसके अंदर जो राइट आंसर क्या होगा, 16। और इसको इस प्रकार से भी सोल्व आउट कर सकते हैं, यानी 6 और 4, इसके मध्य कौन सा अंक आएगा, 5, यानी 5² = 25। 3 और 1 के मध्य हो गया 2, 2² हो गया 4, 5 और 3, 3 के मध्य हो गया 4, 4² हो गया 16, यानी इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, 16। अगला है दिए गए कथनों को है ध्यानपूर्वक देख के आपको जो है आंसर देना है। इसके अंदर क्या है कि सभी महिलाएं वैज्ञानिक है, सभी वैज्ञानिक महिलाएं हैं, यानी जो ये दो निष्कर्ष दिए गए इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो जो है कौन सा अनुसरण करता है, तो वो करता है अनुसरण केवल 2, यानी सभी वैज्ञानिक है वो महिलाएं हैं, ना कि महिलाएं जो है सभी महिलाएं वैज्ञानिक हैं। यानी राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया? रजिया सुल्तान है उसको गद्दी से किस वर्ष से हटाया गया, तो वो हटाया गया 1240 के अंदर। कब हटाया गया था, 1240 के अंदर। यानी राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा, सी। कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है, कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है, तो सही आंसर क्या होगा, कोरोना वायरस का एक और नाम है जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया। यानी राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा, सी। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, पानीपत का जो पहला पहला विश्व युद्ध है वो कब लड़ा गया, तो इसके भी राइट आंसर क्या होगा, सी, 1526 के अंदर। कब, 1526 के अंदर जो है ये लड़ा गया। भारतीय दंड संहिता धारा 376 का संबंध किससे है, तो किससे है वो है बलात्कार से, किससे है बलात्कार से। सही आंसर इसके अंदर क्या है, डी होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है, वो है 10.4%। राइट आंसर इसके अंदर क्या है, बी। निम्नलिखित वर्गों के बीच जो है शब्द का सर्वोत्तम निरूपण करने वाला कौन सा रेख है, वो आपको बताना है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, चील, पक्षी और मगरमच्छ। यानी जो पक्षी है वो चील होता है, और जो है मगरमच्छ
वो अलग से, यानी आपका राइट आंसर इसके अंदर क्या है, डी होगा। नीचे दिए गए जो तर्क है, दो तर्क दिए गए, उनमें से निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क ज्यादा मजबूत है। तो कौन सा मजबूत होगा, क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए? हाँ, परीक्षाओं को शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती है, नहीं बल्कि बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते। इसके अंदर क्या है, तर्क एक सही है, यानी केवल एक तर्क मजबूत है, यानी राइट आंसर इसके अंदर क्या है, ए। अगला है, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया? तो किसके शासनकाल के दौरान किया गया, वो किया गया सिकंदर लोदी। राइट आंसर क्या है आपका, ए। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित से कौन सा है? तो कौन सा है नर्मदा का, वो है अमरकंटक। कौन सा है, अमरकंटक, ए। अगला है, स्वयं को किसी व्यक्ति समूह समुदाय के विरुद्ध किसी प्रकार के मानसिक शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझ कर जो किए गए शक्ति प्रयोग है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हिंसा। क्या कहा जाता है, हिंसा। अन्ना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा किया गया? तो वो किया गया अन्नाजी चौहान द्वारा। किनके द्वारा, अन्नाजी चौहान द्वारा, जिनको क्या है भोड़ो राज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भोड़ो राज भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों से सही शब्द का चयन करते हुए शब्दों को सेट करके जो ज्यादा समानता रखता है उसको बताना है। तो कमल, गुलाब, लिली, तो ये क्या है, सभी है फूल, और इनमें क्या है, गेंदे का फूल। राइट आंसर क्या होगा, बी, फूल, लाल या सेव, ये नहीं हो गए, और इनकी जगह क्या होगा, गेंदे का फूल। क्या है जो है, कमल, गुलाब और लिली, ये सब फूल है, और ये क्या है, गेंदे का फूल, इसके साथ मैच करता है। अगला है, निम्नलिखित वर्गों के में शब्द को जो बीच है स्रोत निरूपण करने वाला वेन्द रखे कौन सा, वो आपको बताना है। मंगल ग्रह, ग्रह, आकाशीय निकाय। तो क्या है, आकाशीय ये निकाय है, और इसके अंदर क्या है, ग्रह है, और इसके अंदर क्या है, मंगल ग्रह। तो यानी राइट आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने किए जाते हैं, वो किया जाता है 12। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नाबार्ड की जो है स्थापना दिवस कब है? तो कब है, वह है 1982। कब है, 1982। पोक्सो, पोक्सो के अधिनियम को कब से लागू किया गया था? पोक्सो अधिनियम है वो कब से लागू हुआ है? तो वो है 14 नवंबर 1912 का, पोक्सो अधिनियम 2012, और ये कब से लागू हुआ, 14 नवंबर 2012 से। राइट आंसर क्या होगा, ए। राज्य की जो जून 2015 तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है, तो वह पहला स्थान था। कौन सा, पहला स्थान। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, महिला चिकित्सक और वैज्ञानिक इसको जो है सही चित्रित के द्वारा दर्शाना है। तो क्या है, यह है महिला, और जो ये है चिकित्सक, और ये वैज्ञानिक, यानी जो राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा, बी। नीचे दिए गए शब्द हैं उनमें से तीन शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि जो एक है भिन्न है। भिन्न का आपको बताना है, आंख, कान, नाक और यकृत। क्या है, ये जो कान, आंख और नाक है ये क्या है, शरीर के बाहरी अंग है, यानी आपको जो है दृश्य होते हैं, जबकि यकृत है लीवर, ये जो है शरीर का अंदरूनी भाग है, यानी राइट आंसर अंदर क्या होगा, डी। दो के बी एमबी केस मेमोरी निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? किसके तुल्य है, तो है सही आंसर इसका क्या होगा, ए। उन्नीस सौ 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया? तो किसका किया गया था, वो क्या, दिल्ली में, फिरोजा शाह कोटला में। कहां पे, दिल्ली, फिरोजा कोटला के अंदर। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जो है जनगणना होती है? तो वो होती है 10 सालों के पश्चात। कितने वर्ष, 10 सालों के पश्चात। राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा, ए। इसके अंदर क्या है, निम्नलिखित में प्रतापगढ़ को जो है 33 जिला कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया, वो किया गया 2008 के अंदर। कब किया गया था, 2008 के अंदर। और जो श्रेणी, किस श्रेणी के राजस्थान के मुख्य जलोत्तर क्षेत्र है, तो है अरावली। कहाँ के, अरावली।
राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय अजमेर कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है। यदि दर्पण को आकृति के बाईं तरफ रखा जाए तो आकृति का सही चित्रण क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी डब्लू है उसको जो है इस प्रकार जो दर्पण होगा तो फिर ये डब्लू का डब्लू ही रहेगा, यानी राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार अक्षर युग्म दिए गए, उनमें से तीन आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। तो इसके राइट आंसर क्या होगा, जी एच, यानी जो इनके मध्य जो है जो है वो दूरी है इसके अंदर जो है कम है, इसके अंदर क्या है दूरी एक है और इनके मध्य है तीन, तो राइट आंसर इसका क्या होगा जी एच। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, अधिक है? तो वो है यूपी की, किसकी है यूपी की, राइट आंसर होगा बी। अगला है बाल किशोर श्रम और अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से अधिक किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम कराना क्या है संज्ञा अपराध, यानी इसके अंदर जो है बिना वारंट आप जो है इसकी गिरफ्तारी हो सकती है वो है 14 वर्ष, राइट आंसर क्या होगा सी। जल महल, जल महल झील किस के मध्य है? तो वह अन्ना सागर, किसके अन्ना सागर डी। अगला एक आरेख दिया गया है, उसमें आपको आरेख है पूर्ण करना है, इसमें क्या करना है आरेख के अंदर आपको कि आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसके अंदर जो है मैं आपको जो है थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। जिस प्रकार की आकृति है वो आपने जो है आंसर होगी, इसके अंदर जो आंसर क्या है अपना सी होगा। प्राचीनतम वर्णमाला कौन सी है, पर्वतमाला कौन सी है? तो है अरावली पर्वतमाला, कौन सी है अरावली पर्वतमाला, यानी बी। अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? जो अनैतिक जो है व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 1956 में, कब हुआ था 1956 में, राइट आंसर इसका क्या है सी। वन की आसा किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाता है बनास नदी को, किसको बनास नदी को। अगला है जो एक चित्राकृति देगी आपको उसको जो है कंप्लीट करना है, एफ आपको कुछ इस प्रकार दिए गए फिर उसको इस एंगल में है जो इस एंगल से मोड़ दिया गया है, तो अगली जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से दी गई है इसको आगे इस प्रकार से मोड़ दिया जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या होगा बी। आइए जो है देखें, छोटा नागपुर पठान, अगला छोटा नागपुर पठार को निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है, वो पाया जा, नहीं पाया जाता है सोना नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाया जाता है, राइट आंसर क्या होगा डी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो वो हुई थी 1600 में, कब 1600 में, राइट आंसर इसका क्या है ए। जाखमबाद का संश्लेषण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा, राइट आंसर क्या है ए। राजस्थान में किस वर्ष सड़क नीति की घोषणा की गई थी? तो वो की गई थी 1994 में, कब की गई थी 1994 के अंदर, राइट आंसर क्या है बी। राज्य में जो राज्य पुष्प है रोहिड़ा, रोहिड़ा का वैज्ञानिक के नाम क्या है? तो वो है टेकमोला उड़ललता, राइट आंसर क्या है बी। रोहित ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और 300 मीटर चला, यानी वो 300 मीटर चला और फिर अपने से दाएं मुड़ गया, वो 200 मीटर चला फिर अपने बाईं ओर मुड़ा, तो वो कदम चला, तो अब बताओ किस दिशा में चल रहा है? तो वो चल रहा है पश्चिम में, राइट आंसर क्या होगा पश्चिम।
बाजरा उत्पादन राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो है पहला स्थान। कौन सा है? पहला स्थान। यह जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और वह बाएं मुड़ता है, तो उसका जो है जानवर है वो आखिर में किस दिशा की ओर उन्मुख है? तो वह है राइट आंसर है इसका पश्चिम दिशा की ओर उसका उन्मुख है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? आखिरी क्वेश्चन है जो है जीके का क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? जो अंगूर की खेती होती है उसको किस नाम से जानते हैं? जो अंगूर की खेती है वो होती है विटिकल्चर। क्या नाम है? विटिकल्चर। सही आंसर क्या होगा? विटिकल्चर। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारी वीडियो पसंद है, तो इस वीडियो को शेयर करें फटाफट अपने दोस्तों के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले हर एग्जाम की जो है सोल्व आउट के लिए, और सभी प्रकार के करंट अफेयर जो है हमारे डेली दिए जाते हैं हमारे चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जय हिंद जय भारत।